कुमार, तुम तो सेवा करते ही आ रहे हो, सेवा कराने का अवसर कभी नहीं दिया। कल तुम्हें मेरे हाथ का भोजन करना होगा, करोगे ना? माता के ही हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ही बनाऊंगा। हम चारों भाई भी आप ही के हाथ का भोजन करेंगे। सबको निमंत्रण है, पर हनुमान के भोजन के बाद। क्या मधुर स्वाद है। वाह वाह, मन करता है खाता ही जाऊं। माताजी परोसिए। माताजी परोसिए। माताजी परोसिए। हनुमान जी का पेट है या पाताल? ऐसे ही भटकते जाएंगे तो सब भूखे रह जाएंगे। माताजी परोसिए। माताजी परोसिए। माताजी, माताजी इधर आइए, इधर आइए। देखिए देखिए, सब चट हो गया, अब क्या होगा? अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई। अपना तो पेट पीठ में मिल गया। हनुमान भोजन कर रहे हैं या भजन? माता जी परोसिए। ले जा ले जा, कढ़ाई पड़ी तो। माता जी परोसिए। इसको कहते हैं परोसना। अब छोटे मोटे थाल में मत लाना, बड़े बड़े बर्तनों में हिलाना। माता जी के हाथ में तो अमृत भरा है। आप तो माता जी के हाथ का अमृत पसीने में पलट गया है। माता जी परोसिए। कौशल्य माता आई। बहू, अच्छे भोजन बच्चों ने उतार दिया है। अरे वचन देने से पहले अपनी दशा का तो ध्यान रखा होता। चलो चलो छोड़ ले सब, चलो। अब भी सुनाई देगा, माताजी परोसिए। तब क्या परोसूंगी? ये देखो, मैंने हलवाइयों से मिठाइयाँ और पकवान मंगवा लिए हैं। माताजी परोसिए। चलो चलो, यही परोस दो। माताजी परोसिए। ये माताजी के हाथ के बने हुए नहीं लगते। माताजी, थक गई हो तो हाथ धोकर उठ जाऊं। आज अयोध्या के राजभवन में कोई भूखा रहेगा तो वो हनुमान ही होगा। बनाती हूँ पकवान, बनाती हूँ। तब तो सारा दिन बैठा रहूंगा। झटपट बनाइएगा माता जी। आपके हाथ में कुछ ऐसा गुण है, जितना खाता जाता हूँ उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ सिद्धि? हनुमान ने भोजन कर लिया। चलो अब हम भी चलते हैं। नहीं, गेहूं, आटा, चावल, घी, दूध, दही, मिठाई, सब चट, सारा भंडार चट। सारा भंडार चट? हनुमान जी चट कर गए। ऊपर से माता जी परोसिए। अब क्या परसूं? सब तो सुहा हो गया प्रभु, कुछ तो कीजिए। भैया आप चुप क्यों हो? कुछ कीजिए, नहीं तो रघुकुल की नाक कट जाएगी। लो, ये तुलसी दल परस दो। तो
ये लो हनुमान। आनंद आ गया माता जी, पहले ही तुलसी दल परोस दिया होता तो आपको पसीने में नहाना तो नहीं पड़ता। मिट्टी भूख माता जी, तुलसी दल से भगवान संतुष्ट, भगवान के प्रसाद से भगत संतुष्ट। आज भूख मिट गई, कल भी समय पर आ जाऊंगा। नहीं, क्या अयोध्या के राजभवन में हनुमान के लिए तुलसी का एक पत्ता भी भारी पड़ेगा? तुलसी का पत्ता ही खाना? एक ही पत्ता माता जी, एक ही पत्ता, तब तो प्रतिदिन आना हनुमान। जय जय राम।